नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप? आज हम चर्चा करने जाएंगे और एक महाविद्या के बारे में, उनका साधना के बारे में। इनका नाम है भुवनेश्वरी। भुवनेश्वरी का अर्थ है ये पूरा ब्रह्मांड का देवी है। इन्हें कहा जाता है कि ब्रह्मा का भी अधिष्ठात्री देवी। एक बार सोच के देखिए, जो ब्रह्मा देव है, तीन देवों में से एक है, इनका काम है पूरा ब्रह्मांड को रचना करना। तो वो ब्रह्मा जिसका पूजा करती है, जिसका साधना करती है, वो कितना ज्यादा शक्तिशाली हो सकता है, कितना ज्यादा पावरफुल, कितना समर्थशाली हो सकता है ये भुवनेश्वरी देवी। भुवनेश्वरी देवी का साधना करने से ये आपको ज्ञान चेतना देती है। किसी भी तरह का ज्ञान, किसी भी तरह का नॉलेज आप जो जानने की कोशिश कर रहे लेकिन आपको नहीं हो पा रहे, तब आप भुवनेश्वरी देवी का साधना कीजिए। आपके पास थोड़ा प्रैक्टिकल नॉलेज है लेकिन आपका पास चेतना नहीं है, और चेतना के वजह से आप बहुत कुछ नहीं हासिल कर पा रहे, तब आप ब्रह्मा का अधिष्ठात्री देवी भुवनेश्वरी देवी का पूजा कीजिए, जो मंत्रों का जप कीजिए। ये देवी किसी भी तरह का मनोकामना पूरी करती है। ये स्वामी स्त्री का अंदर जो रिलेशनशिप अगर अच्छा नहीं है, एक दूसरे से द्वारा सेटिस्फाइड नहीं है, तब भी आप भुवनेश्वरी देवी का साधना कर सकती है। अगर आपका रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रहा है, आप किसी भी तरीके से आपको ये सेटिस्फेक्ट, आपको रिलेशनशिप का जो दरार है वो ठीक नहीं हो रहा है, तब आप भुवनेश्वरी देवी का साधना कीजिए। भुवनेश्वरी देवी का साधना करना शुरू करने से आपका जीवन में एक अजीब सा परिवर्तन आ जाता है। ये बहुत जल्द आपको सफलता प्रदान करती है। इनका किसी भी देवता का साधना के समय इनका बीज मंत्र का प्रयोग होता है। चाहे कोई भी शक्ति का देवी हो, भुवनेश्वरी बीज के द्वारा ही इनका साधना किए जाते हैं। सारे जगत में जितने भी सुख है, जितना भी सुख समृद्धि है, ये हर एक सुख समृद्धि का अधिष्ठात्री देवी मानी जाती है। इनका साधना करने से, इनका पूजा करने से, इनका मंत्रों का उपचार करने से आपका जवान में माता सरस्वती का वास होने लगती है। ये आपका किसी भी तरह का मनोकामना जो आपको पूरी नहीं हो पा रहे उसको पूरी करती है। तो इनका साधना कैसे करें? इनका साधना पहले करने का बहुत सारा नियम था। आपको दीक्षा लेना पड़ता था, दीक्षा लेके आपको उनके सामने हवन करना पड़ता था। कम से कम टाना पन्ना दिन करके हवन करना पड़ता था। हर एक दिन आपको 1,00,000 बार मंत्र जप करना पड़ता है, बहुत सारा बोली चढ़ाना पड़ता है, बहुत सारा फूलों से पूरा सजा देना पड़ता है। मान लीजिए एक राजा, राजरानी का जैसे राजसिक तरीके से पूजा की जाती है, वैसे की जाती है। बहुत सारा खर्चा होता है, बहुत टाइम लगता है उनका साधना में सिद्धि होने में। तो ये सारे सुन के आपको मन में तो एक ही ख्याल होगा, चलो छोड़ो, रहने दो। इसीलिए इनका साधना कैसे आप आसान तरीके से आपका घर में कर सकते हैं, उसका बारे में चर्चा करेंगे। किसी भी आपका घर में, किसी भी शांत कमरे में शांत होके बैठ जाए। इस बार आप उनके सामने, आपके सामने माता भुवनेश्वरी देवी का एक फोटो रखे, फोटो रख के उनके सामने एक दिया जलाए, थोड़ा सा फूलों से सजा दे। आपको शरीर का शुद्धि के लिए 10 बार से साधारण प्राणायाम कीजिए, यानी एक नाक से सांस लीजिए, दूसरे नाक से सांस को छोड़े ऐसे। ऐसा करके 10 बार साधारण प्राणायाम कीजिए। अभी भुवनेश्वरी का मंत्र जप करने से पहले उनका एक विशेष तरह का मुद्रा होता है। ये जो 5 उंगली है, यहाँ पे जो 5 उंगली है, इसको ऐसे जोड़ देना पड़ता है। ऐसे करके जोड़ दे, जोड़ के ऐसे करके मुद्रा को आपका यहाँ पे लगाए, आपका चपड़ो, यानी आपका दोनों आंखों के बीच ये जो पोजिशन है, यहाँ पे ये वाला मुद्रा आपको रखना पड़ता है। ऐसे करके आपको ज्यादा समय नहीं, 5 दिन आपको 10 मिनट करके मंत्र जप करना पड़ता है, और 41 डेज इनका मंत्र जप करना पड़ता है। तो इनका मंत्र है ओम ह्रीम ऐं श्रीम नमः, ओम ऐं ह्रीम श्रीम नमः, ओम ऐं ह्रीम श्रीम नमः। ये मंत्रों का आपको 41 डेज आपको मंत्रों का जप करना है। आप शुरू जब भी करते हैं आपको
एक दो दिन या 10 दिन के अंदर आपको इसका रिजल्ट मिल जाएगा, आपका पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा, आपका लगेगा कि आपका जीवन में जो आपका इच्छा पूरी नहीं हो पा रहा था वो धीरे धीरे से पूरी होने लगा है, उसका रास्ते में चलने लगा। अगर आप मान लीजिए कुछ हायर स्टडी करना चाहते हैं, कुछ पढ़ाई करना चाहते हैं, नौकरी के लिए प्रिपरेशन ले रहे हैं, आपको मन में एक अजीब तरह का आश्चर्यजनक आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आपको जीत हासिल हो गई। इसलिए माता भुवनेश्वरी का साधना कीजिए। इनका साधना करने के समय और एक नियम, इनका साधना किसी भी बृहस्पतिवार से इनका साधना कर सकते, पूर्णिमा से कर सकते। ये साधना करने के 41 डेज के अंदर आपके पास जितना भी पूर्णिमा पड़ेगा, उस पूर्णिमा का रात में शाम होने के बाद आप एक दिया जलाए, दिया रख के आपका घर का उत्तर दिशा में रख दे, उसको पूरा रात भर जलने दे। सुबह उठ के उसको किसी नदी में या पुकुर में उसे विसर्जित कर दे। इससे क्या होगा, आपका घर में जितना भी नकारात्मक ऊर्जा है, जितना भी आपका नेगेटिविटी है आपका मन में, वो सारे नष्ट हो जाएगा। ये नकारात्मक ऊर्जा को लेके उसको नाश करती है, नाश करके आपको जीवन में आपको धन संपत्ति के लाभ कराते हैं। इनका साधना करने से आपका घर से गरीबी हट जाता है, दरिद्रता दूर होने लगता है। तो इसलिए माता भुवनेश्वरी का साधना कीजिए। आशा करता हूँ ऐसे करके साधना करके आप अपना जीवन में लाभ उठा पाएंगे। धन्यवाद।